एलपीजी गैस गोडाउन के लिए जो फ्लेम प्रूफ स्केल गोडाउन में यूज़ होता है उसका कैलिब्रेशन वेट कैलिब्रेशन के रिगार्डिंग ये वीडियो है। सबसे पहले आपको कैलिब्रेशन करने से पहले आपको ये मेल फीमेल पिन कनेक्ट करके मशीन को ऑन करना है। मशीन को ऑन करते ही आपको 00 डिस्प्ले पे आएगा, ये 00 आ गया। अभी आपको चेक करना है कि ये मेल फीमेल पिन जो है प्रॉपरली कनेक्ट होने के बाद आपको इसको इस तरह हलाना है। ये हलाने से ये फिगर में जो फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रहा है या फ्लिकरिंग आ रहा है तो आपको ये मेल फीमेल का जो पिन है उसको आपको नया डाल के नया कनेक्शन देना है और उसके बाद आपको ये मशीन ऑफ कर देना है। और ये पहले आपको इसका जो लेवल है सरफेस लेवल आपको चेक करना है, कहीं से भी हिलना नहीं चाहिए और आसपास में कोई हवा का इतना प्रेशर भी नहीं होना चाहिए वेट कैलिब्रेशन के टाइम। अभी अगेन आपको ये मशीन में MR का स्विच है वो प्रेस करके रखना है और मशीन को ऑन करना है। जैसे ही आप एंटर आएगा तो फिर आपको हाथ हटा देना है। अभी इसका मेनू में आगे बढ़ने के लिए आपको टेयर से आगे बढ़ना है। जैसे टेयर अभी एक बार हम प्रेस करेंगे तो NF4 आएगा, NF4 को 4 ही रहने देना है। फिर आपको D1SS0 इसमें 0 ही रखना है। अगर कुछ इसमें प्लस माइनस हुआ है आपके मेनू में तो आप M+ और MR से अगेन 0 कर सकते हो। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, SLP5 इसको 5 ही रख देना है। इसमें कुछ चेंज है तो आप M+ और MR से 5 कर सकते हो। इसके बाद आपको टेयर एक बार दबाना है, Auto 0 3 या 5 या 9 कुछ भी रख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। इसके बाद आपको टेयर अगेन आगे टेयर दबाना है, आपको DU 01 ही रखना है इसमें और आगे बढ़ना है। TYN 0 ही रखना है इसमें, FLT 0 को 0 ही रखना है, FLT 10 और 0 ही रखना है, FLT 2 में भी 0 रखना है। इसके बाद आपको ये केल और रेंज, इसमें रेंज 1 ही रखना है। अगर कुछ इसमें 2 दिखा रहा है दे रहा है या 3 दिखाई दे रहा है तो इससे आपको करेक्ट करना है। करेक्ट आप इस तरह कर सकते हो, समझ लो कि ये 2 है या 3 है, आपको रखना से ध्यान रखना है कि RNG 1 ही होना चाहिए। इसके बाद आपको अगेन आगे बढ़ना है, इसमें आपको FD 101 रखना है। इसके बाद आपको और आगे बढ़ना है, इसमें DP 12 इसमें 12 ही रखना है। इसके बाद ये आपको आगे बढ़ना है CAP 1 के बाद आपको इस और आगे बढ़ना है, इसमें आपको 110 लिखना है। अगर यहाँ पे कुछ आपका दूसरा कोई फिगर आ रहा है तो आप पहले इस तरह आप MR 3-4 बार दबाएंगे तो सब 0 हो जाएगा। फिर आपको इसमें M+ एक बार प्रेस करना है, MR एक बार, फिर M+ एक बार। अब आपको 2 बार MR प्रेस करना है, ऐसे 110.00 आपको ये 2 M+ और MR की मदद से आप टाइप कर सकते हो। इसके बाद आपको एक बार टेयर दबाना है। इसके बाद ये नो लोड के बाद एक काउंट लोड सेल के डिस्प्ले काउंट आएंगे, ये काउंट आपको थोड़ी देर के लिए स्टेबल होके होने देने का वेट करना है। फिर आपको अगेन एक बार टेयर प्रेस करना है। लोड माने कि आपको इसके ऊपर स्टैंडर्ड वेट रखना होगा तो ही ये वेट कैलिब्रेट हो पाएगा। लोड लिखने के बाद ये काउंट आएंगे, काउंट को थोड़ा स्टेबल होने के बाद आपको 20 किलो का बाट उसके ऊपर रखना है। जैसे अभी हम रख रहे हैं, खास ध्यान रहे कि ये विदाउट स्टैंडर्ड बाट ये कैलिब्रेट नहीं हो पाएगा। ये अभी हमने 20 किलो का वेट इसके ऊपर रखा है, वेट रखने के बाद ये काउंट थोड़े स्टेबल होने देने का वेट करना है। वेट रखने के बाद थोड़ा माइनर काउंट स्टेबल हो जाए, फिर एक बार आपको ये टेयर प्रेस करना है। अभी तो हम ये 20 किलो लिख के आ गया या कुछ दूसरा भी लिख के आता है, आपको जो भी वेट रखा है वो आपको ये M+ और MR की मदद से टाइप करना है। अभी हमने 20 रखा है तो आपको M+ 2 बार और MR ऐसे 1-2 ऐसे 20 किलो रखा है तो 20.00 ऐसे टाइप करके आपको ये टेयर का बटन दबा देना है। ये दबा देने से आपको ये मशीन पूरा रीस्टार्ट होगा और ये इसका मतलब ये अभी आपको वेट कैलिब्रेट हो गया। ये प्लस माइनस जो है कांटे की एक्यूरेसी 10 ग्राम है वो उसका रिगार्डिंग दिखाएगा आपको। थैंक्स।